हेलो जी, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज की सुबह बड़ी सुहानी है और हम नींद का सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। हमने पूरी नींद ली है, पूरी नींद ली है, भरपूर एकदम मजा आया। और बॉम्बे से ज्यादा अच्छा प्लेजेंट वेदर है यहाँ का। हमने सोचा एक वॉक कर लेते हैं, जब आए तो थोड़ा वसूलना तो बनता है। निकलने से पहले क्या है कि दमन जो ये जिस तरीके से नूर ने बताया कि पहले अलग होता था, अभी बहुत ही चीज़ें चेंज हो गई है। कल भी हम जहाँ पर डिनर के लिए गए थे, डिनर के बाद हमारे को समझ में आया कि ये जो वॉकिंग स्ट्रीट बना दी है ये अभी अभी बनी है रिसेंटली और बहुत ही खूबसूरत बनी है। लोग अब आपके पास टाइम मिलता है ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा, हाँ बिल्कुल। सॉरी, वैसे तो मैं कुछ और बोलने वाला था कि इधर जरूर आना, लेकिन पहले सब्सक्राइब करके फिर इधर आना। फिर इधर आना, पहले सब्सक्राइब करके पहले घर पे आना, यानी कि यूट्यूब फैमिली पे आना, फिर यहाँ पर आना। तब तक हम इंजॉय करते हैं। ओके, सी यू। मॉर्निंग की शुरुआत जब आपकी चाय और कॉफी से होती है ना, तो बात ही अलग हो जाती है। मतलब मेरे को तो कॉफ़ी लगती लगती है, और ये मेरी दूसरी कॉफ़ी है, सत्य की दूसरी चाय। अभी का प्लान ये है कि हमारा टाइम हो गया है 10:15 और 11 बजे का चेकआउट है, तो कॉफ़ी पियेंगे, जाएंगे, शावर लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो मतलब 11:30 हम लोग अपनी बाइक पे होंगे और हाईवे पे होंगे। तो मिलते हैं हाईवे पे सीधा। चीयर्स। चीयर्स भाई। मेरे को भी तो दिखा दो कि मैं दिख कैसा रहा हूँ इस अवतार के अंदर। नॉर्मली मतलब मैं ऐसा नहीं होता हूँ कि राइडिंग जैकेट और हेलमेट पहन के। मेरे को शौक था पहले बाइक चलाने का, मेरे मतलब काफ़ी चलाई भी है बाइक, लेकिन 2014 के बाद ना मेरा मतलब बाइक से बस हो गया था। तो बहुत टाइम के बाद मैं ऐसी लंबी राइड पर निकला हूँ, मज़ा आ रहा है। और हम लोग अभी पारसी ढाबा में रुके हैं, मतलब ऑन द वे ना। मैं यहाँ पर 3-4 बार आया हूँ कुछ 1.5-2 साल के अंदर ना, 3-4 बार आया हूँ, लेकिन ये तब ये बंद था, आई थिंक कोविड की वजह से बंद था। तो आज जैसे ही खुला हुआ देखा, सत्य बोला सत्य यहाँ बनता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे फ्रेंड ने मुझे बोला है कि एक बार आके जरूर ट्राई करना है। एक तो वाइब भी अच्छी है यहाँ की, एंड प्लस खाने की बहुत तारीफ सुनेंगी है। चलो भाई खाते हैं। पनीर भुर्जिया और चपाती आ गई है, और छाछ, छाछ तो मज़ेदार थी, अब पनीर भुर्जी ना देखने में तो बहुत सही लग रही है। इनका खुद का पनीर है ना, ये लोग अपना पनीर निकालते हैं, इनकी खुद की डेयरी है वैसे तो। और ऐसे देखते खा के कैसा लग रहा है। पनीर ये तो मक्खन है यार, मजा आ गया भाई, वाह 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 वाह। प्यारा लग रहा है ऐसे सेटिंग करने का, हाईवे के पास में क्या मिलता है यार ऐसा, मज़ा आया ऐसे चिल विल करने का फ्रेंड लोगों के साथ में। यहाँ पर इन लोगों के पास में इनका ना खुद का ना डेयरी फार्म भी है, और ये देखो मिठाइयाँ मिठाइयाँ। यहाँ पर स्टे के लिए भी है क्या? नहीं है ना। ओके, है तो जगह मस्त। अगर ये स्टे के लिए भी होता तो क्या बात थी यार। हाँ, लेकिन यही कि ये जगह बहुत सही लग रही है, वाइब बहुत अच्छी है यहाँ की, फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पर ऐसे भी हैं जो सूरत, अहमदाबाद से, स्पेशली अहमदाबाद तो थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन सूरत, वापी, ये सब से ना ऐसे ड्राइव करके यहाँ पर आते हैं डिनर लंच करने के लिए। तो एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है और मस्त उनका खाना वाना भी हो जाता है। बढ़िया, अब यहाँ से अपना काम सारा ख़त्म हो गया, अब निकलने का टाइम आया, अब बॉम्बे पहुँचते हैं भाई फटाफट। हाँ जी, तो एक प्यारे से ट्रिप के बाद हम वापस आ गए हैं। और मतलब एक जगह एक ऐसा टाइम आया था जब गंदा वाला ट्रैफिक मिला, अदरवाइज सब कुछ सही था। सिटी में आने के बाद गर्मी का एहसास हुआ, जैकेट का एहसास हुआ, जैकेट पहनी उसके एहसास, पर जैकेट में मुझे फील अच्छा हुआ भाई। अच्छा, मतलब मेरे को मजा आया। राइड कैसी लगी तेरे को मेरी? यार मैं एक चीज, मैं दिल, तूने पूछ लिया लेकिन मैं बताना ही चाहता था कि मतलब यार एक नंबर राइडर है बंदा, मतलब ये बोलते ना हैवी राइडर, हैवी राइडर है। और एज अ पिलियन ना आपका एक टास्क हो जाता है कि इतनी देर आपको बैठना है, बोर भी हो गए। मेरे को सबसे अच्छी चीज पता है क्या लगी, लड़का पीछे ऐसे टच करता था मेरे को ऐसे करके, ठीक है, ऐसे पूछता था साइड से हाथ निकाल के ऐसे, ठीक है ना। मैंने कहा हाँ यार, मतलब होता है ना कि बंदा सो तो नहीं गया पीछे, बोर हो रहा होगा। डार्लिंग थैंक यू फॉर लवली राइड। फटाफट अब तेरा पासपोर्ट आए, बस पासपोर्ट आ जाए फिर और राइड करेंगे, बड़ी वाली राइड करेंगे, सीधी बड़ी वाली राइड करेंगे। भाई लड़के ने पजामा पहन लिया आते, और अपने को शावर की बहुत सख्त जरूरत है अभी। मैं तो जा रहा हूँ शावर लेने। बस बस जाते हैं, मैं भी जाता हूँ अपने इधर, शावर लेते हैं, मिलते हैं। चलो चलो मिलते हैं अपने ठिकाने पे। तो
तो शावर लेने के बाद में ना मैंने पहले सोचा है कि सबसे पहले ना एडिट कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि अपलोड करने में टाइम जाएगा। एक अच्छी न्यूज ये है कि मतलब मेरे को ईमेल आ गया है कि 2 से 3 दिन के अंदर पुलिस इंक्वायरी हो जाएगी। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो जाए और मेरे हाथ में जल्दी से जल्दी पासपोर्ट आए। इस चक्कर में ना मेरे 2-3 शूट थे जो मेरे मतलब कैंसिल करने पड़े मेरे को क्योंकि मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं था। थोड़ा अजीब लगता है अगर ऐसा कुछ करने को हो तो। और 2020 में मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, वो मतलब मैं क्या करूँ। और लॉकडाउन चल रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर सकते हो, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तो मैंने इसलिए इतना एफर्ट नहीं दिया उसके अंदर। मेरा ना पासपोर्ट और मेरे बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी ना दिल्ली के, तो लेकिन मेरे को अपना पासपोर्ट बॉम्बे से इशू करवाना था। तो उसके लिए क्या होता है कि आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स में भी पहले बॉम्बे का एड्रेस होना चाहिए। तो मैं साल भर से यही चीज़ कर रहा हूँ और फाइनली जाकर सारी चीज़ें सॉर्टेड होती हुई नज़र आ रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी हमारे हाथ में पासपोर्ट आएगा और जल्दी हम बाहर जाएंगे और आपको भी घुमा के लेके आएंगे। इसी के साथ अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में। पैकअप फॉर द डे, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।